नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो भाई आज हम आए थे, ये जो है 4G टावर है जियो का, लेकिन इसे हम आज 5G में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो टावर है वो लगा हुआ है गांव में। अभी तक किया था कि हम बड़े बड़े शहरों में जो है टावर को इंस्टॉल करते थे 5G वाला, लेकिन अब से जो है गाँव में भी 5G का नेटवर्क आने वाला है, क्योंकि हम जो है धीरे धीरे गाँव में भी 5G इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये जो ODC आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने अभी इंस्टॉल किया है, अभी कुछ वायरिंग बाकी है इसमें। ये जो स्पेशल बैटरी बैकअप के लिए है, क्योंकि इसमें सारी बैटरी भर जाएगी यहाँ से यहाँ, और कुछ इक्विपमेंट भी लगते हैं 5G के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह हालत देख सकते हैं इस टावर की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरेटर था, लेकिन शायद फॉल्टी होगा या किसी और जगह पर ज़रूरत होगी, तो यहाँ से निकल कर ले गए हैं। और यहाँ पर एक और ODC आएगा, वो आएगा एयरटेल का। वो जो लगाएंगे वो एयरटेल वाले लगाएंगे, क्योंकि भाई टावर में जो है क्या है कि टाइप करके रखा है जियो और एयरटेल ने, कि जहाँ पर जियो का होगा वहाँ पर अपना इक्विपमेंट जो है एयरटेल वाले लगा सकते हैं, और जहाँ पर एयरटेल का होगा वहाँ पर जियो वाले इक्विपमेंट लगा सकते हैं। जहाँ पर आपको एयरटेल का फुल नेटवर्क देखने को मिलता था, वहाँ पर अब क्या है जियो का भी आएगा, और जहाँ पर जियो का आता है एयरटेल का नहीं आता है, तो वहाँ पर एयरटेल का आएगा। तो इस तरह का कुछ टाइप करके रखा है, तो अच्छी बात है कि दोनों के आपस में मिल के जो है टाइप कर लिया है, ताकि नेटवर्क की कमी ना हो। और इस तरह का है टावर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए काम की शुरुआत करते हैं, और आगे मैं आपको बाद में काम खत्म होने के बाद दिखाता हूँ किस तरह से जो है हमने ODC को इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों बिजली जो है जा चुकी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 83% दिखा रहा है, पता नहीं कब तक सर्वाइव करेगा। अगर ये बंद हुआ तो इससे जो अगला वाला कनेक्टेड है वो भी बंद हो जाएगा। ये टावर जो होते हो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों एक घंटे से जो है बिजली यहाँ पर जा चुकी है, और ये जो टावर की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है, यहाँ पर जनरेटर भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं कब तक सर्वाइव कर पाता है। बाकी तो BSNL की तरफ से जो एक न्यूज़ निकल कर आई है कि BSNL जो है अब 800 से भी ज़्यादा टावर लगवाने वाला है। अब देखते हैं, हम लोग जियो का करते हैं, एयरटेल का करते हैं, अब साथ में BSNL का भी कर लेंगे। तो दोस्तों जो है यहाँ पर सारा काम खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो हमने इंस्टॉल की यहाँ पर ODC, ये आपको कनेक्शन जो दिख रहा है उससे हमें पावर यहाँ पर देना होगा। तो ये जो कनेक्शन देख रहे हैं, ये वहाँ से यहाँ तक मैंने अलग से एक वायर को डाला है, तो जो कनेक्शन वो यहीं पर आएगी। इसमें ग्लव्स इसलिए पहनने पड़ते हैं क्योंकि कभी कभी ये क्या है करंट मारता है, और थोड़ी सी मुश्किल कनेक्शन करने में इसलिए भी होती है क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये जो है मेन MCB है, यदि ये डाउन हुई तो पूरी साइट बंद हो जाएगी, पूरा टावर ही बंद हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल आती है, इसमें ध्यान से काम करना पड़ता है। और यदि ये टावर बंद हुआ तो अगले वाला भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए कनेक्शन करने के बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली जो है कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 2 पॉजिटिव दे दिए, और ये जो फ्यूज दिखाई दे रहा है उसमें 2 नेगेटिव। अब चलिए यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। ये जो आउटडोर यूनिट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 MCB दी है, ये चालू की, उसके बाद ये देखिए इसमें पावर कम्प्लीट आ चुका है। अब सिर्फ हमें फैन को टेस्ट करना है, ये सेंसर है। देखिए कंप्लीट हो चुका है, टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई। अब जो है यहाँ पर हमारा काम खत्म होता है। अब इसके आगे का जो काम है 5G का, वो एंटीना लगाने वाले जो टीम आएगी उसी का है। हमने इसको पावर लगा के कंप्लीट कर दिया, अब उसे सिर्फ कनेक्शन यहाँ पर लगाने हैं, और इसमें जो है बैटरी इंस्टॉल होगी इस जगह। दोस्तों अब जो है सारा काम खत्म हो चुका है, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो हमने यहाँ पर काम किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो यहाँ पर ELCB MCB दिखाई दे रही है वो अलग से हमने लगाई, क्योंकि यहाँ पर जो थी वो पुरानी वाली थी, वो हमने बदल दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है केबल ट्रे, और यहाँ पर हमने अर्थिंग लगाया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसमें जो है कनेक्शन किया है ये सारा, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है यहाँ पर जो मीटर के रीसेलिंग के लिए जो वायर आता है वो यही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अर्थिंग किए हैं, और बीच में पुरानी ODC और नई ODC का जॉइंट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये खाली है बिल्कुल, और इसमें से हम वायर लेके गए हैं। और यहाँ पर एंकर फास्टनर लगाया है, देख सकते हैं केमिकल डाल के एंकर फास्टनर लगाया है। और ये जो केबल रहे ऊपर से होकर पूरी यहाँ तक हमने लगाई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं,
केबल ड्राइव और यहाँ पर कनेक्शन किए, तो इस तरह का कुछ है। तो दोस्तों इतना ही है 5G में, और तो कुछ आता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। यदि कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी हम निकल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी हमारी। अब जो है ताला लगाना है और कुछ काम है नहीं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।